आप सोच रहे होंगे मेरी स्किन तो क्लीन है, तो मैं पिंपल्स की प्रॉब्लम को कैसे आप लोग को यकीन दिलाऊं कि पिंपल्स इससे ठीक होने वाले हैं। गाइस आपका भी क्वेश्चन ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ आपके साथ, इस पिंपल की प्रॉब्लम को मैं ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी पिंपल्स के सदस्य हैं जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम अक्सर होती है। दोनों को ही जब मैंने ये पैक यूज़ करने को दिया, शीट मास्क यूज़ करने को दिया, तो उनको काफ़ी रिलीफ मिला। तो उसी से मुझे रिजल्ट मिला कि हाँ, जब मैं उन लोगों को इतना फ़ायदा कर सकता है, तो फिर आप लोग को क्यों नहीं फ़ायदा कर सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गर्मी स्टार्ट होती है, आपकी स्किन पे डर्ट, पोल्यूशन, पिंपल्स का अटैक, बैक्टीरिया का अटैक, पस वाले दानों का अटैक, छोटे छोटे दानों का अटैक आपकी स्किन को जहाँ इरीटेट करता है, वही मेरी ये DIY आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देने वाली है। क्योंकि ये मेरे बोलने से नहीं, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको ही डालना पड़ेगा, आपके चेहरे पे स्माइल आने वाली है ये DIY यूज़ करने के बाद। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले यूज़ किया है वो है नीम लीव्स। नीम लीव्स के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं मैं थोड़ा सा इंट्रो इसके बारे में बताना चाहूँगी। नीम लीव्स हमारी स्किन के लिए जितनी बेनिफिट है, हमारे हेयर और हेल्थ के लिए भी उतनी बेनिफिशियल है। पर आज मैं बात कर रही हूँ स्किन की, तो नीम में होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जो आपकी स्किन पे जाते ही आपके जो फंगल इन्फेक्शन होता है आपकी स्किन पे, जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं उनको वो जड़ से ख़त्म करता है। जब वो पिंपल्स में हो रहे बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, तभी आपके पिंपल्स शांत होते हैं, पूरी तरीके से ठीक होते हैं। इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ ये आपके एजिंग साइंस को भी कम करता है, आपकी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को भी एक्टिव करता है, साथ साथ जब आप इसका रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को भी प्योरीफाई करता है, आपकी स्किन को भी क्लीन एंड क्लियर बनाता है। नीम का यूज़ करते हैं आपकी स्किन पे जितने भी पोर्स होते हैं वो पूरे एक्टिव हो जाते हैं, पूरे क्लीन हो जाते हैं। जब आप किसी DIY में आप किसी भी रेमेडीज़ के साथ आप इसको यूज़ करते हो, तो इसका असर आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल तरीके से लंबे समय तक बना रहता है। कभी कभी ब्लड इन्फेक्शन की वजह से या पेट की गर्मी की वजह से या कुछ ऐसे हार्मोन चेंजेस की वजह से भी आपकी स्किन पे जो पिंपल्स होते हैं वो अटैक करते हैं, जिनको आप ऊपरी सतह से तो ठीक कर लेते हो, पर कभी कभी वो दोबारा वापस लौट के आ जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप नीम्स का सेवन अपने खाने में भी मॉर्निंग के समय कुछ पत्तियाँ या उनके टैबलेट भी खाओगे, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन के साथ साथ आपकी स्किन अंदर से भी हेल्दी बने। यहाँ पे आपको फ्रेश नीम लेनी है, उसको अच्छे से वॉश करके पीस लेना है, गुलाब जल या सिंपल वाटर के साथ आपको उसको पीसना है। बस ये मिक्सर जार में आपने पहले मिर्च या मसाला ना पीसा हो तो अच्छे से वॉश कर लें उसको पहले। फिर उसके बाद आपको जूस उसका अलग कर लेना है। जूस का अलग करने के बाद आपको एक साफ बाउल लेना है, कोई भी आप कंटेनर या कोई भी आप बाउल यूज़ करें हमेशा साफ ही यूज़ करें। उसमें आपको 3 बड़े चम्मच जूस लेना है, उसमें आपको छोटे चम्मच 2 एलोवेरा जेल का ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करनी है थोड़ी सी ग्रीसलीन ऐड करनी है 1/2 टेबल स्पून के आसपास, और 3 बड़े चम्मच आपको ऐड करने हैं गुलाब जल। इन सभी को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखेंगे आप एक लिक्विड फॉर्म आपका रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है शीट मास्क, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहला जो DIY मैं मेथड बना रही वो है शीट मास्क का। यहाँ पे शीट मास्क आपको डाल देना, अगर आपके पास शीट मास्क नहीं है तो आप इसमें कॉटन पैड या फिर कॉटन या फिर कोई भी कॉटन का हैंकी आप उसमें डिप करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसको कम से कम 5 मिनट के लिए रखना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। शीट मास्क से आपको सबसे पहले तो आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। सेकंड जो इसका यूज़ है आपकी स्किन पे, जो भी आप लिक्विड फॉर्म आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तो शीट मास्क के थ्रू आपकी स्किन पे वो डायरेक्टली पेनिट्रेट होता है आपकी स्किन पे, अंदर जाके वो आपकी स्किन को अंदर से प्यूरीफाई करता है, आपकी स्किन के जितनी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, जो भी अटैक होता है उनको शांत करता है, उनको जड़ से ख़त्म करता है। क्योंकि शीट मास्क का जो काम ही होता है आपकी स्किन को हाइड्रेट करना, आपकी स्किन के pH बैलेंस को बना के रखना। प्लस शीट मास्क को आपको कम से कम हफ्ते में 3 बार इसको यूज़ करना है, और इसका असर आपको स्किन पे तुरंत इंस्टेंटली बोलते हैं ना रिजल्ट मिलना, वो आपकी स्किन पे आपको दिखाई देगा। इससे आपकी स्किन एकदम फ्रेश हो जाएगी, एकदम से ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पे। तो ये था शीट मास्क का यूज, जो कि आपको हफ्ते में 3 बार करना है। सेकंड हमारा मेथड है जो DIY है वो है हमारा नीम पैक। नीम पैक के लिए आपको क्या करना है, 2 बड़े चम्मच आपको लेने हैं मुल्तानी मिट्टी के। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को ठंडक देती है, आपकी स्किन के पोर्स को क्लीन करती है, और साथ साथ आपके पोर्स को टाइट भी करती है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे पिंच ऑफ हल्दी। पिंच ऑफ हल्दी, हल्दी का यूज़ आप सबको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आप बहुत डिटेल से इसके बारे में बताया, अगर नहीं देखा तो अभी जाके देखिए। पिंच ऑफ हल्दी हम यहाँ पे लेंगे, जो आपकी स्किन को ग्लो भी देती है, और ये भी एक बैक्टीरिया के अटैक से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। मतलब जितनी भी बैक्टीरिया का अटैक होता है उससे भी हल्दी काफ़ी अच्छा आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देती है।
नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है नीम जूस। जितना भी हमारा नीम जूस बचा है शीट मास्क बनाने के बाद, उस वो सारा का सारा नीम जूस हम उस पैक में ऐड कर देंगे। आपको अलग से कोई भी वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी वजह से आपके पास कम जूस है तो आप उसकी जगह पे थोड़ा सा गुलाब जल उसी के साथ ऐड कर दें। उन सभी को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप उसको फ्रिज में स्टोर करके रख दें। फ्रिज में स्टोर करने से क्या होगा, एक तो ये आपका पैक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जब भी आप उसको ठंडा ठंडा अपनी स्किन पे लगाएंगे तो आपकी स्किन को और भी ज़्यादा फ्रेश फील करवाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी स्किन को गुलाब जल से वॉश कर लेना है, मतलब फेस को क्लीन कर लेना है गुलाब जल से। कोई भी फेस वॉश, आप नॉर्मल फेस वॉश से भी अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप मेरे पैक से भी अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। ये एज अ फेस वॉश का भी काम करेगा। तो था ना ये टू इन वन की तरह आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको कोशिश करें रात में इस पैक को लगाएं, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है जिस एरिया में, वहाँ पे आप ओवरनाइट भी लगा के आप सो सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो रिज़ल्ट है आपकी स्किन पे और भी जल्दी मिलेगा, आपके जो एक्ने पिंपल्स हैं और भी जल्दी ठीक होंगे, आपकी क्योर हो जाएगी स्किन, मतलब स्किन भी आपकी क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। तो बस ये था आज का मैजिकल सेट डी आई वाई। आपको 20 मिनट रखना है अपनी स्किन पे, 20 मिनट के बाद आपको उसको वॉश कर देना है, और अपनी पसंद का कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आपको अपनी स्किन पे लगाना है। समर के लिए सबसे बेस्ट डी आई वाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई करो। ट्राई करने के बाद अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करो। तो ये मैजिकल सेट डी आई वाई आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है तो इससे अच्छा कोई भी डी आई वाई आपकी स्किन के लिए नहीं हो सकता है। तो ये था आज का मेरा बहुत ही बेनिफिशियल से डी आई वाई। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।